नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा और संस्कार में आपका स्वागत है। संस्कार की परिभाषाएं समाज के अनुसार बदलती जा रही हैं। क्या डिजिटल इंडिया में संस्कार नदारद हो जाएंगे या फिर हमारी चली आ रही परंपरा बरकरार रहेगी? चिंता की बात तो यह है कि विदेशी कल्चर भारत में आए दिन दस्तक दे रहा है और भारतीय मर्यादाओं का हनन हो रहा है। हमें लगा है कि इसका विशेषण किया जाए और हमने इसका विशेषण किया बल्लभगढ़ के MR मेमोरियल पब्लिक स्कूल में, जहां पर शिक्षा और संस्कार दोनों ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और हम आगे बताएंगे CPM में संस्कार का विशेषण। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी इतना ही अस्तित्व होता है, जो कि संस्कार की मर्यादा थी वो हमारे समाज से खत्म होती चली जा रही है। दरअसल हम आज आप पहुंचे हैं MR मेमोरियल पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ में। हम यहाँ जानना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ में विद्यार्थियों को किस तरह से टीचर स्टाफ संस्कार देता है, उसके लिए हम बात करते हैं। हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ इसमें MR स्कूल मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर शर्मा जी हैं। शर्मा जी, मैं आपको देना चाहेंगे, पहला सवाल हमारा ये है कि शिक्षा तो आज के टाइम में बहुत आगे जा रही है, लेकिन संस्कार थे, संस्कार की मर्यादा खत्म हो चुकी है, तो आप उन मर्यादाओं को बच्चों के अंदर किस तरह से दोबारा से कूट कूट के भर पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार बहुत जरूरी होता है। अगर संस्कार बच्चे के अंदर नहीं होगा तो शिक्षा का कोई मान्य नहीं रहेगा। संस्कार अगर विद्यार्थी के अंदर घर से भी मिलते हैं, कुछ हमारे विद्यालय से मिलते हैं, तो शिक्षा के से ज़्यादा संस्कार अगर बच्चे को दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। हमारा मेन उद्देश्य सबसे पहले बच्चे के संस्कार का है और शिक्षा का है। उसके जी एक प्रायोरिटी होती है जी, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपने लेवल से देखते हैं कि हमारा एक ये दायित्व बन गया है कि मुझे अब ये काम करना है तो करना ही है। उसके लिए आपने एक कमिटमेंट किया जो आपका रिजल्ट भी आया है, उसके बारे में मैंने सुना है, तो वो क्या था और उसके पीछे क्या कोई संस्कार है? ये देखिए, जो रिजल्ट आया है स्टाफ की मेहनत है और सबसे बड़ी बात है बच्चों के अंदर संस्कार भी थे और उनको बढ़ाने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरह से सोना होता है उसी तरह विद्यार्थी जीवन भी होता है। अब हम बात करते हैं कि उत्साह जो नज़र आ रहा था स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनका, कि उनके अंदर एक जो रिजल्ट मिला है और अपना एक दावा भी करते हैं कि हम बच्चों को संस्कार भी देते हैं। अब हम उन संस्कारी बच्चों से बात करते हैं कि वो इस स्कूल में किस प्रकार के संस्कार लेते हैं और उनके अंदर कितना बड़ा उत्साह है, जो कि मार्क्स लेके गए हैं, जो 10वीं पास हुए हैं। क्या नाम है आपका? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्लियर हो के यहाँ पे हूँ और मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है और हर चीज़ हर तरीके से टीचर अपनी मेहनत कर रही है और मुझे हर चीज़ का सपोर्ट भी मिल रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं हम संस्कार की परिभाषा होती है, सबसे पहला काम ये होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले माँ बाप का एक नमन करते हैं हम और उनको प्रणाम करते हैं, तो स्कूल की तरफ से आपकी तरफ से कितना उसको फैमिली कर रहे हैं? सब बहुत ले जाते हैं और हर चीज़ में पेरेंट्स और टीचर्स का ही सपोर्ट हर चीज़ होती है और संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो टीचर और पेरेंट्स के थ्रू ही मिलती है, तो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। टीचर्स भी हमें हर तरीके की पढ़ाई के साथ साथ हर तरीके की चीज़ें सिखाते हैं। एक अनुशासन भी संस्कार का एक दूसरा पहलू है। अब हम बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल उमेश शर्मा जी से। शर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहें, बच्चों ने अभी बात की है तो आपकी तारीफ भी की है, तो ये तारीफ क्या एक हवाबाजी है या रियलिटी है, वो आप किस तरह से एक प्रमाणित कर पाएंगे? सर, हवाबाजी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ क्या है, बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें पढ़ाना और उन्हें अनुशासन में रखना, जिससे कि बच्चे जो है आगे जाकर हमारा अपने मम्मी पापा का और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपना भी, जिससे कि उन्हें सब हमें भी उन पर गर्व हो और उनके मम्मी पापा भी उन पर गर्व हो। इसमें कोई घमंड वाली या कोई झूठ वाली कोई बात नहीं है। Thank you.
पर्यावरण को लेकर के आपने पौधों को पानी दिया है, उससे पहले प्रोग्राम करा है कि स्वच्छा संस्कार, तो आप उसको किस अंदाज में देखते हैं? पर्यावरण एक बहुत अच्छा साधन है, ये हमारी संस्कृति है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल तो उल्टा हो रहा है कि पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमें अपने छोटे बड़ों को सभी सिखाना चाहिए कि पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ से ही हमें शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ नहीं देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो पेड़ काटते हैं? सर, मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं जो भी पेड़ काटता हूँ अब मुझे दिखेगा, अब मुझे पता चलेगा कौन पेड़ काट रहा है। मैं उनको समझा देंगी, बात कहूँगी कि ऐसा ना करें ताकि उनके समझ में आ जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।